तो ये है हमारे दीप्ता जी के ढोल नगारे। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए, देखो कितने सारे लोग हैं। तो हम खा रहे हैं आलू भुजिया, मिर्ची तो डाल दो। फिर मैं सोई थी अभी तक, और अभी हम खा रहे हैं जलेबी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है इन दोनों से, और ये दोनों कर रहे हैं काम। अब हमारे सेब सीज़न की तैयारी शुरू हो गई है। तो ये हमारी अपनी क्रेट है, पिछले साल ही लिया हमने ये। तो अबू उसमें अपना नाम लिख रहा है। देखो कितनी है पूरी, ये बता यार। गिननी पड़ती है अभी, अभी गिननी पड़ती है। थोड़ी पिछले साल की थी, थोड़ी उससे पिछले साल की, तो अभी गिननी पड़ेगी। तो सभी सब में नाम लिख रहे हैं इस तरह से, ताकि जब हम सेब तोड़ेंगे ना, तो थोड़ी भी बहुत सी क्रेटें मशीन से लेके आएंगे, ताकि उनके बीच में मिक्स ना हो जाए। तो इस करके अब अपना नाम लिख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा जी, और वो देखो ताऊ भी आया है। ताऊ हाय करो। मैंने बोला था ना, ताऊ आ रहे हमारे मेहमान, तो ताऊ आ गए थे रात को, शाम को आ गए थे 5-6-7 बजे। देखो काम करते हुए लोग क्यों पर लगाई मैंने लाइन। देखो इस तरह से नाम लिखा, और ये कहाँ गया, पेंट है ना, पेंट है। आज बड़ा काम करा था, बोल रहा कि मैं काम कर रहा हूँ, बोला तो खुश हो रहा है मैं काम कर रहा हूँ। तो भाई कभी कभार घर आते हैं, आप काम कर लिया करो, आपका ही फायदा है, आपका ही नाम है, देखिए आपकी ही क्रेट है। क्या दी? ये पॉलिथीन, पॉलिथीन बास्केट, पॉलिथीन। तो चलो देते हैं काम करने, और आज का मौसम दिखाते हैं। बहुत ही तेज धूप है, और नीचे आपको आवाज़ आ रही होगी, मैच शुरू हो गया, आ रही है, पिछले कल भी आ रही थी व्लॉग में मेरी आवाज़ आ रही थी। बंटी चाचू की आवाज़ आ रही है, देखो एंकरिंग कर रहे हैं, मेरी चाचू है, उनकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। अरे हमारे ताऊ नज़दीक से करवाए, पर ऐसे दिख रहे थे, और ये रही दादी। अब आपको ताई देखेंगे व्लॉग में। ताई भी मेरे व्लॉग देखते हैं, तो ताई ताऊ को देखेंगे। तो देखो कुछ इस तरह का है आज का मौसम, देखो मेरे सॉरी फूल। ये दोनों लड़ाई करे किसने ज्यादा काम किया है, ये बोल रहे मैंने ज्यादा काम किया, वो भी मैंने ज्यादा काम किया। मैं नहीं बोल रहा, मैं तेरे को सब कुछ देती हूं अपना। हां टीम साफ हो रहा है यार, यहां से चले, यहां कर ले। हाय एवरीवन, तो अभी टाइम हो गया है 3:16, और देखो मौसम कितना ज्यादा खराब हो गया, बारिश आने वाली है, बट देखो इस तरफ को धूप भी लग गया। और अभी तक मैं सोई थी, 12 बजे हम लोग सारे काम से फ्री हो गए थे, फिर मैं सोई थी अभी तक, और अभी हम खा रहे हैं जलेबी। हम तो कल पकौड़े लेके आए थे, बट ताऊ आए थे ना शाम को, तो ताऊ हमको जलेबी लेके आए थे। तो देखो दादी मस्त जलेबी खाने लेती है, और मैं भी, मैंने एक आज जलेबी खा लिया, मैंने दूसरा खा लिया। और आजकल मेरे को गैस्ट्रिक की भी शिकायत हो रही है, पिछले 2-3 दिन से हो रही है। मैंने तो पहले नहीं, मेरे को गैस्ट्रिक ही नहीं होती थी, मैं मतलब तीनों टाइम घी खाती थी, बट मुझे घी खाना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को बहुत दर्द हो रही थी यहाँ पर, कल रात को भी बहुत दर्द हो रही थी, पकौड़े खाए ना, तो उसके बाद मेरे को यहाँ बहुत ज़्यादा दूरी थी, फिर मैंने खाना खा के गर्म पानी पिया। अभी सुबह भी मैंने, सुबह मैंने घी खाया, फिर मेरे को था कि, फिर मेरे को ऐसे मतलब उल्टिया खाने का मन कर रहा था, फिर मैंने गर्म पानी पिया, फिर मेरे को थोड़ा ठीक सा लग रहा था। अभी मैं फिर से जलेबी खा रही हूँ, मेरे को फिर से थोड़ी देर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मुझे गैस्ट्रिक हो गया, गैस्ट्रिक। दादी देखो मुझे कैसे ध्यान से देख रहे हैं। चलो खाते हैं जलेबी, और मिलते हैं आपसे सीधा बाद में। और अबू गया है मैच देखने, आज हम लोग नहीं गए क्योंकि 2 दिन में चल चल के ना थक गए थे, अब हम जाएंगे, कल फाइनल है तो हम कल जाएंगे। तो ऐसा ऐसा है, तो चलो मिलते हैं आपसे बाद में। तो यहाँ है मैच, आवाज़ आ रही है आपको? आ रही होगी एंकरिंग की थोड़ी थोड़ी। तो आज फुट वॉलीबॉल की टीम भी आई है, और कबड्डी की भी आज और कल, अब मतलब वॉलीबॉल और कबड्डी के मैच होंगे, कल फिर फाइनल भी होगा रस्से कसी का। और जो डांस किया था ना कुछ टाइम पहले, अभी जो व्लॉग में देखा आपने, तो उसमें फर्स्ट आई है ढमाका महिला मंडल, और सेकंड आया है हमारे गांव का महिला मंडल। तो ऐसी सी बात है, देखो मक्की नहीं बड़ी बड़ी हो गई। तो अभी टाइम हो गया है 4:46, और बारिश शुरू हो गई, और बाबू अभी भी नहीं आया, अब बारिश में भीगते भीगते आएगा। और देखो कैसा मौसम, कैसा चारों तरफ से कितना अंधेरा हुआ, देखो
इधर भी, इधर भी, इधर भी। और अभी मैच भी बंद हुए शायद, बारिश हो रही है ना, तो बारिश में कैसे मैच। नहीं नहीं माइक की आवाज़ आ रही है आपको? बंडी चाचू एंकरिंग कर रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है। तो देखो ये है हमारा गांव, और हमारे गांव के बिल्कुल कितना बड़ा बादल है, बादल। हाय एवरीवन, तो अभी टाइम हो गया है 7 बजने वाला, और अभी हम लोग हो गया है तैयार। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं मंदिर। जैसे कि लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैंने बताया था कि बताया था पता नहीं, बट अभी बता देती हूँ। कल मतलब हमारा जो मेला होता है वो होता है 12 भद्र का मेला होता है, मतलब 12 पृष्ठ कुछ पृष्ठ के आधार होता है। तो मतलब जो पहाड़ी महीने की 12 तारीख होता है वो मेला, तो वो 12 तारीख परसों है 27 को। तो उसके दो दिन पहले दीप्ता जी दूसरे मंदिर जाते हैं, 9 को जाते हैं, मतलब पृष्ठ की 9 तारीख को जाते हैं। तो पिछले कल दीप्ता जी चले गए वहाँ पर, कुपड़दर बोलते हैं, कल जंगल में है और छोटा सा मंदिर है उनका, तो वहाँ पर चले गए दीप्ता जी। अब दीप्ता जी वहीं से आएंगे परसों मेले के लिए, और तो हम सब लोग जा रहे हैं वहाँ पर, क्या बोलते हैं, भजन वगैरह करेंगे, कीर्तन वगैरह करेंगे। तो अभी हम लोग तैयार हो गया, और मैंने पहना है आज ढाटू, अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में जाएंगे हम लोग। तो चलो चलते हैं। और अभी तक ना बहुत अच्छी बारिश हुई ठंड ठंड से, तो मैंने ये वाला कॉटन का सूट पहन लिया है। तो चलते हैं, और गर्दन में दर्द भी हो रही है, पर क्या करें, जाना भी है। तो चलो चलते हैं, और मिलते हैं आपसे सीधा वहीं पहुंच के। शायद खाना हम वहीं खाएंगे, जैसे बोल रहे थे कि भंडारा है वहां पर, पूरा पता नहीं है भंडारा है कि नहीं है, बट चलो जो भी रहेगा देखेंगे। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आपसे सीधा रास्तों में। तो ये है तबू का आउटफिट, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यस ऑफ कोर्स, इसका OTTD क्या बोलते हैं, OTTD कैसे व्यू है, बहुत गंदी, बहुत सुंदर, बारी बारी आज मैं सुंदर हूँ, थैंक यू सो मच। सूट तो वही पहना है, कमेंट करके बताना मैं कैसे दिन। मैंने वाला कॉटन का सूट पहना, क्योंकि ठंड सी हो गई थी, कोठी डालने का था नहीं, उतनी ज़्यादा ठंड नहीं हुई कोठी डालने का, मैंने कॉटन का सूट पहन लिया, ठीक है। उसकी शुरुआत थोड़ी सी मोड हुआ है, तो चलते हैं आपसे मिलते हैं बाद में। वैसे आज ना सब लोग दिया लेके जाते हैं, मतलब दिया मीन्स घी का, घी लेके जाते हैं गिलास में सब लोग, मतलब जितना जितना चाहे उतना, बट हम नहीं ले जा रहे क्योंकि अबू जाएगा कल, वो चाहता है कि मैं ही लाऊं। हाँ मतलब हम ले जाते, नहीं नहीं मैं खुद ले जाऊंगा, उसको थोड़ा ज़्यादा ही वो है कि मैं खुद ले जाऊंगा। तो ऐसे चलते हैं, बस हम लोग पहुँच गए गाँव, तो मिलते हैं आपसे सीधा बाद में, और मिलवाते हैं आपको बाकी सबसे जो भी जाने वाले। वैसे यहाँ से काफ़ी दूर तो नहीं बोल सकते, 15-20 मिनट तो लगेंगे सड़क में, फिर सड़क से मैं नीचे को उतरना है जंगल की तरफ। तो चलो देखिए, हमने तय किया था कि हम सब ढाटू पहन के जाएंगे चारों, बट ढाटू के चक्कर में कुछ क्या नीचे से क्या पहना है और ऊपर से ढाटू पहन के आए। चले तो ये रहे हमारे बाकी साथी, ये है हमारी दादी से हाय, प्रणाम, ये है आंटी, आंटी प्रणाम, भूल गया, ये है एडी, मेरे को यहां से दिखा था लाइट पड़ रही थी ना, लाइट पड़ रही थी हमारे ऊपर, लाइट पड़ रही थी, इसलिए आंटी हमारे को भूल रहे थे कि हम कौन है। कौन आंटी, मैं तो पहचान आई हूं, ये है राधा आंटी, सो गाइस दीदी ये वो नहीं, यहां पर कौन से होते हैं आंटी, अरे पीछे में आई दिखा दे ना, वहां पर होते हैं, और ये रही दो मिला, ये रही हमारी आंटी प्रणाम, ले आंटी शॉल डाली थी बाहर से, अरे पूरा झुको ना, बस यार वीडियो बन गई, चलो 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 चलो, ये रही हमारी पल्लू। तो अभी हम लोग चल पड़े हैं, और एक मजे की बात है, हम सब लोग पहली बार फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम तू गई थी, भाई गई थी, बट हम लोग नहीं गए थे, हम लोग फर्स्ट टाइम, हमारे को एक सुनहरा मौका मिल रहा है, क्योंकि हम लोग रामपुर में ही होते थे, सिर्फ मेरे एक दिन पहले आते थे, बहुत अच्छा मौका मिला, मैं तो परसों भी गई थी मिलने, और आज हम फर्स्ट जा रहे हैं। तो इधर भी है हमारे साथ साथी लोग, चाची इधर सब लोग, हम सबसे आगे चले, और हम सबसे आगे चले, भालू मिलेगा सबसे पहले हमारा शिकार करेगा, उसके बाद बाकी लोगों का शिकार होगा। तो चलो चलते हैं, अब आपसे सीधा मिलेंगे हम, उनका तो स्वागत है, तो हम खा रहे हैं आलू भुजिया, वहाँ जाके खाएंगे हम भंडारा, उससे पहले खाएंगे हम आलू भुजिया, क्योंकि यहाँ पर सामने दुकान थी ना, हमने सोचा चलो कुछ ले लेते हैं, और आगे चले गए कुछ हमारे साथी सखी लोग। तो देखो कहाँ तक, जहाँ तक लास्ट स्टोरेज थी, इतने सारे लोग हैं, हम लोग सबके हाथ में फ्लैश फ्लैश फ्लैश, इधर चाची का
हम लोग दिख रहे ना दीदी फ्लैश। हाँ जी चाची अच्छा अच्छा ठीक है भाई थैंक यू सो मच किया था सब्सक्राइब है उसने किया हुआ। अच्छा अच्छा ये है हमारी चाची देखिए इनकी बहन हमारे ब्लॉग देखते हैं इसलिए इनको जूम करके दिखाना पड़ेगा। तो इधर बाकी सब इधर भाभी नमस्ते नमस्ते इधर सेकंड आया मुबारक हो नाचने में नाचने वाली पार्टी सेकंड आए नमस्ते आप नहीं तो नाचने में ओ कहा बूढ़े आप जवान है आप अभी तो चलो वो चलो नमस्ते नमस्ते सबको ये है चाची इधर भी है ताई बुआ वहाँ पीछे दादी दादी अभी दिख रहे। तो अभी हम लोग पहुंच गए मंदिर वो देखो मंदिर देखो इतना रास्ता इतना गंदा खराब है ना और देखो इसमें सोतर भी है इसमें अच्छा कि बारिश आई अगर बारिश नहीं होती ना हम तो सारे चिपल जाते हैं इसमें नीचे और देखो तो बड़ा बड़ा घास है जंगल नहीं दिख पाएगा क्योंकि नहीं दिख रहा है तुम्हें क्या करूँ यार। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए देखो कितने सारे लोग हैं तो आते हुए आते ही हमारे को मिल रहा है प्रसाद नमस्ते यहाँ है हमारे महादेव का छोटा सा मंदिर ये है पंकु हाय कर नमस्ते पंकु देखो ये सारे हमारे गांव वाले लेडीज है अभी बाकी ऊपर से भी आ रहे हैं पीछे तक देखो फ्लैश दिख रही है। तो ये है भैया हाय ऐसे करो ले हाय ये है मेरे चाचू जो एंकरिंग कर रहे थे वही है इनकी दवाई खत्म हुई और ये मेरे भैया अगर कोई सुंदर सी कन्या है जो मेरा ब्लॉग देखती है तो मेरी भाभी बन सकती है पर कोई अच्छे गुण नहीं है इनमें तो ये है हमारे दीप्ता जी के ढोल नगारे जैसे शादी वगैरह भी होते हैं ना तब भी मतलब दीप्ता जी का बजा लाते हैं और दीप्ता जी ना हर साल आते हैं यहाँ पर मेले से दो तीन दिन पहले हमेशा यहाँ आते हैं। तो यहाँ देखो सारे फुल है और जो आप देख रहे हैं सारे हमारी गांव की ही लेडीज है अभी हम यहाँ खाएंगे भंडारा ओ जो प्राण होते ये और की बारे बाकी वाले मारे।